कोरोना के चलते गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा के मेले पर लगाई रोक। धौलपुर पुलिस ने की आमजन से नहीं जाने की अपील। धौलपुर पुलिस की ओर से सभी जिले वासियों और श्रद्धालुओं से यह अपील की गई है कि मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा पर लगने वाला मेला कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस वर्ष निरस्त कर दिया गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोवर्धन में बाहरी लोगों के आगमन पर 20 जुलाई मंगलवार से 24 जुलाई शनिवार तक रोक लगा दी है तथा सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। इसीलिए इन दिनों गोवर्धन यात्रा पर नहीं जाएं। इस महामारी से लड़ने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। पत्नी को लेने ससुराल जा रहे एक लौते युवक की कार की टक्कर से मौत। खलपुरा गांव के पास की है घटना। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के एनएच 11 बी पर आज मंगलवार को खनपुरा गांव के पास ससुराल से पत्नी को लेने जा रहे बाइक सवार युवक को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक पूरी तरह घायल हो गया। बाइक सवार घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे और मोबाइल से फोटो खींचते रहे, लेकिन मदद करने की जहमत किसी ने ना उठाई। कुछ समय बाद बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य ब्रजेश मुखेरिया और पुलिस मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायल युवक को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक की सांसें थम चुकी थी। घटना की जानकारी जैसे ही युवक की पत्नी को मिली तो वह दहाड़े मार कर रोने लगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिरौली का पूरा धौलपुर निवासी युवक कुदल सिंह पुत्र सोबरन सिंह जाटव आज बाइक से पत्नी को लेने अपने ससुराल बसेड़ी थाना इलाके के गांव खरग पूरा जा रहा था। रास्ते में एनएच 11 बी पर धौलपुर बाड़ी के बीच खनपुरा गांव के पास तेज स्पीड से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खून से लथपथ अवस्था में युवक सड़क पर पड़ा हुआ मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन राहगीर और स्थानीय लोग मोबाइल से तस्वीरें खींचते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक अपने पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। इसकी माँ की मृत्यु पूर्व से ही हो चुकी थी। वह अपने पीछे पत्नी व 2 माह की बेटी और पिता को छोड़ गया है। घटना के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर वह दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। समय करीब 1:30 बजे की बात है, जिसमें जिरौली कपड़ा का लड़का है उगल सिंह, जो अपनी ससुराल जा रहा था अपनी वाइफ को लेने के लिए, तो कणपरा चौराहे के पास एक क्रेटा गाड़ी ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसके टूट आने से मृत्यु हो गई उसकी। और मौके पर पचगाय पुलिस चौकी जब तक पहुंच गया था, उन्होंने वहां से डेड बॉडी को घायल अवस्था में यहाँ भिजवा दिया था धौलपुर मोर्चरी में, और पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिवारजनों को सुपुर्द की जाती है। सबकी जारी है। पुलिस ने किया लूट का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 8 जुलाई को रनपुरा निवासी व्यापारी सौरभ बंसल के साथ सरमथुरा रोड पर बाड़ी पर हुई लूट की घटना का पर्दाफाश किया है। साथ ही 3 लुटेरों के पास से 30,000 की नकदी, मोबाइल, दुकान की चाबी, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं लूट का अन्य सामान बरामद किया गया है। बाड़ी के सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि लूट के मामले में रामू गुर्जर पुत्र रमेश उम्र 21 साल निवासी फागुने का पूरा थाना बाड़ी सदर, रामदास पुत्र द्रोगन गुर्जर निवासी खटाने का पूरा थाना बाड़ी सदर व सुरेश मीणा पुत्र बांके लाल मीणा उम्र 20 साल निवासी सुनीपुर थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाशों ने पीड़ित व्यापारी से 90,000 की नकदी के साथ अन्य सामान कट्टे का भय दिखाकर लूटा था और मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर पीड़ित व्यापारी सौरभ बंसल पुत्र बनवारी लाल वैश्य ने सदर थाना बाड़ी में मुकदमा दर्ज करवाया था। धौलपुर एसपी केसर सिंह शिखावत ने की तबादला सूची जारी। SIASI हेड कांस्टेबल व कांस्टेबलों के लिए तबादले। धौलपुर पुलिस के मुखिया एसपी केसर सिंह शिखावत ने आज मंगलवार को पुलिस
अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें एक उप निरीक्षक, 5 सहायक उप निरीक्षक तथा 47 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों का तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। तबादला सूची के अनुसार ब्रजेश सिंह उप निरीक्षक को लेबडा पुलिस चौकी बसेड़ी से पुलिस चौकी जिला अस्पताल तथा थाना कोतवाली धौलपुर लगाया गया है। वहीं वीरेंद्र सिंह को चौकी वन विहार थाना बसई डांग से, महिला थाना धौलपुर प्रेम सिंह को चौकी से, जोसुपुरा थाना मनिया से महिला थाना धौलपुर, राजवीर सिंह को चौकी टाउन राजाखेड़ा से चौकी बसई नवाब कोलारी, श्याम सुंदर को चौकी बसई नवाब कोलारी से चौकी जारगा बसेड़ी, ओम प्रकाश को थाना कंचनपुर से चौकी टाउन कोतवाली धौलपुर लगाया गया है। इसके अलावा साथ ही पूर्व में किए गए 5 तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। धौलपुर शहर एवं पूरे देश के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ईद के मौके पर त्यौहार को प्यार मोहब्बत से मनाएं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पर दूरी बना के रखें, कोरोना का समय है, मास्क लगा के रहें, वैक्सीन है जल्द से जल्द लगवाएं और त्यौहार को इस तरीके से ना बनाएं जिससे जो बीमारी अपन से दूर हो गई है फिर करीब आ जाए, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना है पूरे देश में बढ़ रही है। इसलिए अपन सब लोगों को बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ एक बार फिर कि सभी देशवासी और जिलेवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279-27-1243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता: आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की 3 बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिंपोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950-51-88-18। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। धौलपुर शहर में घर घर लगेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर। विद्युत निगम कॉलोनी से किया शुभारंभ। बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने तथा उपभोक्ताओं के कार्यों को सरल करने के लिए विद्युत निगम धौलपुर की ओर से अब पूरे धौलपुर शहर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज मंगलवार को विद्युत निगम कॉलोनी मचकुंड चौराहा धौलपुर से पूजा अर्चना कर दी गई है। इस दौरान विद्युत निगम धौलपुर के एसई बीएल वर्मा, एसईएन रूप सिंह गुर्जर, एएन सिटी प्रवेंद्र सिंह सहित अन्य विद्युत अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया है। इस मौके पर एसई बीएल वर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से न केवल बिजली चोरी रुकेगी बल्कि उपभोक्ताओं को काफी सहायता मिलेगी, उन्हें बार बार विद्युत निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वर्मा ने बताया कि धौलपुर शहर में तकरीबन 22,500 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। एक्सईएन रूप सिंह गुर्जर ने बताया कि यह मीटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसका उपभोक्ता प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके से उपयोग कर सकेगा। एएन सिटी प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपने बिजली बिल की अच्छी तरह से गणना कर सकेगा और अपने मोबाइल से ही इसको ऑपरेट कर सकता है।
वहीं बिजली बंद और चालू होने को स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिक तरीके से उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज भेज देगा। इस मीटर से पिछले बिल, बिजली लोड सहित अन्य सभी चीजों की जानकारी ली जा सकती है। इस मौके पर JEN सिटी अमृतेश उपाध्याय, JEN अमित, ARO गणेश कुमार झा एवं मीटर लगाने वाले जिनेश कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। स्कूल क्रांति संघ धौलपुर के बैनर तले आज मंगलवार शाम को निजी स्कूल संचालकों द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन में संशोधन कर प्रदेश में ऑफलाइन स्कूल खोलने की अनुमति की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षण संस्थाएं लंबे समय से बंद होने के कारण प्रदेश के शैक्षणिक स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है तथा ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों में मानसिक विकृतियों के साथ साथ उनकी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। WHO द्वारा स्कूल खोले जाने के सुझाव का भी हवाला दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बच्चों का स्कूल जाना आवश्यक है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टीकाकरण का इंतजार नहीं करते हुए गाइडलाइन की पालना करते हुए स्कूल खोलने की अनुमति की मांग की गई है। इस मौके पर अनुराग मुदगल, हरिओम शर्मा, लोकेंद्र राणा, महेश शर्मा, राजू राणा, रामनिवास परमार, राधेश्याम तोमर, हरिओम शर्मा, राजकुमार पचौरी सहित कई लोग मौजूद रहे। हम लोग जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। एक्चुअली है क्या, जो TCO का प्रकरण चल रहा है, बिना TC लिए कुछ सरकारी कर्मचारी जो स्कूल है वो बिना TC के अपने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। अभी जो एक आदेश निकाला है तीन महीने के आदेश में होता क्या है कि बच्चा ना तो हमारे यहाँ का रहेगा ना उनका रहेगा, और ना तो गार्जियन समझ पा रहे इस परेशानी को, ये लेकिन बहुत बड़ी विडंबना रहेगी। दूसरा, हमारे पास कुछ अभिभावक हैं, हम लोगों को ना तो फीस दे रहे हैं, वहाँ जाके एक स्टाम्प बनवाते हैं और जाके कई दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर हो रहा है, तो आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, पूरा हमारा संघ है तो मिलने आया है। और इसके अलावा अभी हम लोग DO साहब के यहाँ भी गए, वहाँ पे भी ज्ञापन दे के आए हैं, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है। हम शिक्षा मंत्री जी को ये बताना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी को, अगर हमारे स्कूल नहीं खुले तो अभी तो हम लोग सिर्फ स्कूल वाले निजी स्कूल वाले आए हैं, और नहीं तो हम इसे धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के हम लोग जिसमें एजुकेशन में हमारे जो भी आते हैं, जैसे वेंडर हैं और बुक सेलर हैं, जितने ड्राइवर्स हैं गाड़ियों के और जितने भी भाइयाँ हैं, इन एक एक पेरेंट्स को भी हम इकट्ठा करके लाएंगे और इसको हम जन आंदोलन का रूप दे देंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम रोडों पर जाम करना शुरू करेंगे। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है कि कई सरकारी स्कूल चौपाल के नाम से अपने स्कूलों को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं, वो अवैध चल रही हैं, उनको देखा नहीं जा रहा। और हमारे साथ भी ये जो भी हम लोग कहीं चलाते हैं तो कहीं कोई समिति वाले, कहीं कोई ना कोई आके हम लोगों को परेशान करते हैं, तो हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग भी चाहते हैं जितने भी परिवार जो बैठे हैं यहाँ उनको इतना न्याय मिलना चाहिए कि या तो उनको जल्दी से जल्दी स्कूलों को खुलवाया जाए, जिससे कि हम सब लोगों की जो बच्चों की भी एजुकेशन पूरी हो और हमारे परिवार चले, घर चल जाए। हरिओम उपाध्याय, चीन पब्लिक स्कूल जाति धौलपुर। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ प्राइवेट स्कूलों के साथ जो उपेक्षा वाला व्यवहार कर रहे हैं उसको थोड़ा बंद करें, दोनों ही चश्मों से एक साथ देखें, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों। सरकारी स्कूलों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें हमारे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी दी जाए, जिससे हमारा भी नामांकन स्तर रहे। सारे स्कूलों का नामांकन, प्राइवेट स्कूलों का नामांकन बिल्कुल डाउन हो गया है, सरकार ने अपना लालच दे करके सारे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ और आपसे आह्वान भी करना चाह रहा हूँ कि इस नीति को, वैरी नीति को बंद करके भारत राजस्थान में एक नीति अपनाए। चपरौली हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में मनिया थाना पुलिस ने चपरौली गांव में कुछ माह पूर्व हुए हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि चपरौली गांव में हुई युवक की हत्या मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा सेपऊ बाईपास NH-03 से सोमवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुप पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर निवासी चपरौली एवं संदीप उर्फ करुआ पुत्र तारा सिंह निवासी चपरौली मनिया को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल माह में पुरानी रंजिश के चलते चपरौली गांव में
प्रदीप नामक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा इस हत्याकांड के 5 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। व्यापार महासंघ धौलपुर ने कलेक्टर से की साप्ताहिक बाजार बंदी की मांग। व्यापार महासंघ धौलपुर द्वारा आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया गया, जिसमें साप्ताहिक बाजार बंदी की मांग की गई। ज्ञापन में व्यापारियों द्वारा बताया गया कि रोजाना दुकान पर कार्य के चलते व्यापारी अपने पारिवारिक कार्यों को समय नहीं दे पाते हैं, जिस कारण पूर्व की भांति मंगलवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी रखी जाए, ताकि दुकानदार और व्यापारी अपने घर परिवार को भी समय दे सकें। ज्ञापन देने वालों में व्यापारी संघ के संयोजक नितिन अग्रवाल, वस्त्र व्यापार समिति के अध्यक्ष केशव गर्ग, रेडीमेड व्यापार के अध्यक्ष शैलू जैन, सचिव आलोक तिवारी, प्रदीप ठाकुर, मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल, सचिन अनुराग, रोहित सिंह, बंटी जैन एवं किराना समिति के सचिव मोहन अग्रवाल, सर्राफा संघ के भोला सर्राफ आदि शामिल हैं। धौलपुर व्यापारी महासंघ की ओर से आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मंगलवार बंदी को हम लोगों ने समस्त व्यापारी बंधुओं ने ज्ञापन दिया, जिसको माननीय कलेक्टर साहब ने स्वीकार करते हुए कल दोपहर 12:30 बजे की कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की है, जिसमें मंगलवार बंद को लेके और सभी व्यापारियों की राय लेके मंगलवार बंद को आयोजित किया के तत्वाधान में जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मंगलवार बंद को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए कलेक्टर साहब ने कल दिनांक 21/7 को दिन दोपहर 12:30 बजे मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें सभी दुकानदार भाइयों को, संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। धन्यवाद। ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय को मंगलवार एक दिन बंद रखने का है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल 12:30 बजे सभा कक्ष में मीटिंग है और बाड़ी व्यापार संघ और धौलपुर व्यापार संघ का सहयोग करके एक दिन का मार्केट बंद का आश्वासन दिया है। नाम क्या है? राम अवतार अग्रवाल, मोबाइल व्यापार संघ। मैं केशव गर्ग, वस्त्र व्यापार समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे व्यापारी महासंघ की तरफ से। इसमें कलेक्टर साहब ने कल 12:30 बजे मीटिंग बुलाई है, उसमें मंगलवार बंद करने का जो भी फैसला होगा वो बताया गया। प्रिंस उर्फ बबलू जैन बने व्यापार समिति राजा खेड़ा के अध्यक्ष। राजा खेड़ा में पिछले कई दिनों से व्यापारियों में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, जिसके लिए पिछले कुछ दिनों से निजी स्तर पर बैठकों का दौर जारी था। सोमवार रात्रि को राजाखेड़ा कस्बे के सभी व्यापारी जैन धर्मशाला में एकजुट हुए, जहां अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और सभी व्यापारियों के सुझाव व विचारों के बाद सभी की सहमति से स्थानीय व्यापारी प्रिंस जैन को राजाखेड़ा व्यापार समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष अनुप गुप्ता को चुना गया, जबकि सचिव लक्ष्मण सिंह को, उप सचिव सुनील उर्फ पिंटू दीक्षित को, कोषा अध्यक्ष ब्रजेश सोनी, महामंत्री राजेंद्र जैन, उप महामंत्री अनुप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। नव नियुक्त अध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि हम सभी कार्यकारिणी के सदस्य सभी के साथ मिलकर व्यापारियों के हित के लिए सदैव आगे आएंगे और सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों की आवाज बनकर राजाखेड़ा में काम करेंगे। बैठक में दिलीप जैन, आमिर खान, गोपाल उदैनिया, रितेश जैन, आकाश गोस्वामी, मयंक गुप्ता, भोला, पीयूष पालेंद्र, देश दीपक व अन्य सैकड़ों की संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर, आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटा घर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। क्या आप किस्तों पर लैपटॉप व मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं? तो जल्दी आइए धौलपुर जिले के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वैल्यू प्लस पर।
और खरीदिए मनपसंद HP के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, वो भी आसान किस्तों पर। इसके अलावा हमारे यहाँ सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक ही छत के नीचे आसान किस्तों में मिलते हैं, जिसमें AC, TV, एंड्रॉयड TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि। एक बार जरूर पधारें वैल्यू प्लस शोरूम, 132 KV बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अतुल बंसल, 9416462846। पंचायत की सूरत बदलना ही मेरी पहली प्राथमिकता, सरपंच खुशी लाल वर्मा। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत सिंघावली कला के सरपंच प्रतिनिधि खुशी लाल वर्मा इन दिनों जनता के बीच जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। खुशी लाल ने बताया कि हमने जनता से जो वादे किए थे उनको जनता के बीच जाकर और जनता की स्वेच्छा से ही पूरे करवाने का कार्य किया जा रहा है। देवदास का पूरा में करीब 50 वर्ष से शमशान एवं शमशान का रास्ता बिल्कुल ध्वस्त था, जो सरपंच के प्रयासों से व सभी की सहमति से मनरेगा मजदूरों की पहल पर रास्ते का सुदृढ़ीकरण होना शुरू हुआ, जिसके कारण स्थानीय लोगों के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के लिए रास्ते सुगम होंगे। साथ ही पंचायत के अंतर्गत पानी की टंकियों का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान सत्यपाल वर्मा, यशपाल सिंह, महेश चंद, मुकेश, संजय, राजेश, श्री किशन, उम्मेद सिंह, दानवीर एवं अन्य लोग मौजूद रहे। प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी ने किया बाल संप्रेक्षण, गृह एवं वृद्धा आश्रम का निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी द्वारा आज मंगलवार को राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल गृह के उपेक्षित बालक एवं संप्रेक्षण गृह के उपचारी बालकों से रूबरू होकर गृह में बालकों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वच्छ पेयजल व अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। अवस्थी द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह धौलपुर में बालकों के COVID-19 महामारी से बचाव एवं सुरक्षा की व्यवस्थाओं सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी गण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय शर्मा मौजूद रहे। इसके बारे में सचिव मीना अवस्थी द्वारा हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों से कोरोना महामारी के संक्रमण एवं बचाव के लिए सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। शिविर में लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र। कायस्थपाड़ा बालिका स्कूल धौलपुर में लगा शिविर। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र आगरा बस स्टैंड के पास कायस्थपाड़ा बालिका स्कूल धौलपुर में आज मंगलवार को कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने शिविर में आए आमजन से अधिक वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान किया। जिला प्रबंधक कॉमन सर्विस सेंटर CSC केशर खान ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवाकर परिवार के सदस्यों के जीवन को बचाना होगा। इस दौरान CSC के द्वारा शिविर में ही लोगों को कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस अवसर पर कॉमन सर्विस सेंटर के पदाधिकारी प्रबंधक अम्बे गर्ग, नवीन कुमार रोहतास, आकाश जायसवाल, रश्मि बंसल गोयल, सुमित्रा प्रवेश, रश्मि वर्मा, पंकज राजबाला, रश्मि सक्सेना, सरिता यादव आदि मौजूद रहे। वसीडी पुलिस ने अलग अलग मामलों में दो स्थायी वारंटी किए गिरफ्तार। धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत के निर्देश में जिले भर में चलाए जा रहे वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत वसीडी पुलिस ने अलग अलग मामलों में दो जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सोमवार रात मुखबिर की सूचना पर 3 साल से फरार स्थायी वारंटी मुन्ना लाल पुत्र सीताराम कोहली उम्र 58 वर्ष निवासी छापर थाना मासलपुर जिला करौली को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आज मंगलवार को राम साहेब पुत्र सुवरण सिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी डोयले का पुरा थाना बसईडांग को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान टीम में कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कोमल सिंह, दयाराम, ताराचंद, हरिओम सिंह, राजवीर आदि शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता का धौलपुर आगमन पर किया गया स्वागत।
एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने धौलपुर आए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल के आगमन पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का रेलवे स्टेशन धौलपुर पर भव्य स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल बाड़ी के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल द्वारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मचकुंड धाम पर बैठक भी ली गई। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी ने की एवं मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश शर्मा मौजूद रहे। बैठक में जिला संयोजक मनोज सोनी द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का भगवा वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। सह संयोजक राम शर्मा ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल से धौलपुर के मचकुंड धाम को कृष्णा सर्किट है शामिल करने को लेकर चलाई जा रही मुहिम के बारे में बताया, जिस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि वैसे तो मैं मूल रूप से धौलपुर का निवासी हूं, लेकिन आज मचकुंड धाम को देखकर मन मोहित हो गया है। इस पावन धरा को श्री कृष्ण सर्किट में राजस्थान सरकार और भारत सरकार को जरूर शामिल करना चाहिए, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरा प्रयास करेगा। मचकुंड महाराज के दर्शन करने के बाद में आज मुझे अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति है। वास्तव में मैं मूलतः हूँ तो धौलपुर जिले का ही, और बाकी मुझे लेकिन ये मचकुंड महाराज के दर्शन करने मिल पाया। दिल्ली में कई दशकों से रहने के बाद आज राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आज जिले के कार्यकर्ताओं से जो मिला और सारे मचकुंड के पर्यटन के भव्य दर्शन किए, तो ये जानकारी मिली कि इतने बड़े तीर्थ स्थल और इतने बड़े पर्यटक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन तो है, लेकिन वास्तव में जो प्रसिद्धि जो मान्यता इसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। परिषद के कार्यकर्ता अनवरत रूप से प्रयासरत हैं कि राजाखेड़ा में सड़क की समस्या को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क डगरा व बरसला गांव के मध्य बेहद जर्जर अवस्था में पड़ी है। कुछ समस्या को लेकर आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देश पर भाजपा नेता शिवशंकर परिहार व सरपंच प्रतिनिधि बसई घियाराम ऋषिकेश ने उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षतिग्रस्त सड़क को तुरंत दुरुस्त करवाने की मांग की। साथ ही बताया गया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय बसई घियाराम से बरसला तक सड़क में सैकड़ों गड्ढों में 2 से 3 फुट पानी व कीचड़ भरा हुआ है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं व गंभीर हालत वाले मरीजों के लिए आपातकालीन स्थिति में चार पहिया वाहन व एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची, जिस कारण मोटरसाइकिल पर गर्भवती महिलाओं व मरीजों को ले जाने के लिए लोग मजबूर हैं। परिहार ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार स्थिति से भी अवगत करवाया है, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कल हुई पहली बारिश से एक ही साल में बनी सड़क के विभाग ध्यान नहीं दे सका साथ ही कल हुई पहली बारिश से एक साल में बनी सड़क किनारे धसकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसमें देर रात आने जाने वाले राहगीरों के साथ कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिस पर एसडीएम मंगल ने तुरंत कार्यवाही कर सड़क दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब